सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वर्षा का जल जो है वो सबसे शुद्ध जल होता है। इस जल से हमारे कुओं में उपलब्ध जल पीने योग्य हम बना सकते हैं। किसान भाइयों, जल ही जीवन है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, क्योंकि बिना जल के जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। और अपने प्रदेश के लिए जल की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो यहाँ वार्षिक वर्षा बहुत ही कम होती है, वही दूसरी ओर उपलब्ध भूमि का जल स्तर भी धीरे धीरे गिरता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप नलकूप, कुएं आदि भूमिगत जल स्रोत या तो सूख गए हैं या फिर सूखने के कगार पर है। अतः जो कुएं या नलकूप सूख चुके हैं या जिनमें पानी बहुत कम या न के बराबर है, उन्हें भी हम तालाब, गड्ढे, डिग्गियां बनाकर वर्षा जल के माध्यम से पुनर्भरण कर सकती है। इसके लिए हमारे जो भी छत है उस छत के पानी को हम कलेक्ट करें, ऊपर से छत से जो पानी है उसको हम एक फिल्टर में लेके आए, उस फिल्टर के अंदर हम सबसे ऊपर ऊपर जो है वो हमारी जो रहती बजरी है वो रखते हैं, उसे नीचे हम उसे थोड़ी छोटी साइज बड़ी साइज की गिट्टी, थोड़ी उसे बड़ी साइज की गिट्टी और उसे नीचे बड़े पत्थर हम रखते हैं। इस हिसाब से हमारा फिल्टर होता है, जिससे हमारे पानी के साथ जो छत के ऊपर से जो पानी बह के आ रहा है उसमें जो भी मिट्टी के बड़े छोटे कण आ रहे हैं वो सारे सारे उसमें फिल्टर हो जाएंगे और उसके नीचे जो सबसे शुद्ध पानी हमें मिलेगा उस पानी को हम पाइप की सहायता से हमारे पास जो भी पानी का सोर्स है, कुआं है, ट्यूबवेल है, हम उसे जोड़ सकते हैं। उसमें जो पानी हमारा जो जाएगा उसके साथ मिट्टी दूसरे कण नहीं जाते हैं, जिससे उनके जो स्रोत है वो नहीं रुकते हैं और उसकी वजह से हमारा शुद्ध पानी कुएं के अंदर जो अधिक पीवीएस का या इसी का जो पानी है उसमें मिक्स होकर हमें उचित गुणवत्ता का पानी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं आज के दिन जो एक छोटा परिवार जिसमें 5 या 6 फैमिली मेंबर्स हैं, वो अपने अगर 120 स्क्वायर मीटर के अपना घर है या 1200 स्क्वायर फीट का अपना जो मकान है उसके पानी को
बरसाती पानी को अगर वो एक अपने टैंक बनाकर जमीन में उसमें अगर इकट्ठा करते हैं तो वर्ष भर की उसकी जो दिनचर्या में जो उसको पीने के लिए खाने के लिए जो पानी चाहिए वो शुद्ध पानी उपलब्ध होगा। ऐसा क्षेत्र जहाँ से हमारे खेत का पूरा पानी बहके जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में अगर हम हमारे खेत के अंदर खेत तलाई या फार्म बोर्ड बनाते हैं तो वर्षा जल जो हमारा अच्छे जो बहके जा रहा है वो उसमें स्टोर हो जाएगा। इसी के अलावा किसान भाई अपने जो खेत है अधिक ढलान है तो उसके उस ढलान को दो या तीन भागों में अलग अलग डिवाइड करके मेड़बंदी करें, जिससे हमारी जो मिट्टी है ऊपर से बहकर जो नीचे की तरफ पानी साथ जा रही है वो जगह जगह उस मेड्स के वहाँ रुक जाएगी। पानी भी वहाँ से जो बहके जा रहा था त्वरित गति से वो पानी भी रुकेगा, जिससे हमारी फसल को अधिक समय तक नमी के रूप में पानी उपलब्ध होगा और जो मिट्टी खेत की खेत में बनी रहेगी। इसके अलावा किसान भाई अपने जो खेत है उस खेत के अंदर वर्षा पूर्व अधिक गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने से बारिश का जो पानी है वो और अधिक मात्रा में और ज़्यादा गहराई तक पहुँचेगा, जो हमारे खेत में नमी बनाए रखेगा। तो भाइयों के पास खेतों में कुआं बना हुआ है और कुएं में पानी की आवक बहुत कम है, वो किसान भाई अपने खेत में से बहकर जाने वाले पानी को एक रिचार्ज पिट बनाकर अपने कुएं से जोड़ सकते हैं और अपने कुएं की जो आवक है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमारा जो किसान भाई का जो खेत है उस खेत का जो निचला हिस्सा जो कुएं के आसपास है वहाँ पे एक पानी के बहाव के विपरीत एक नाली बनाए और उस पानी को कुएं की तरफ मोड़ कर लाए, फिर वहाँ पे कुएं से करीब 10 से 15 फीट की दूरी पर एक गड्ढा खोदे जिसको हम रिचार्ज पिट बोलते हैं, वहाँ से उस कुएं के अंदर तक एक पाइप लगाए सबसे नीचे कंधे में, फिर बड़े पत्थर उस गड्ढे में भरे 2 फीट के आसपास, फिर उसके बाद उस पर उसे थोड़े और छोटे पत्थर, फिर और छोटे पत्थर उसे नीचे जो हमारी गिट्टी और गिट्टी से ऊपर जो रेती या बजरी जिसको हम बोलते हैं किसान भाई चुनाई के काम में लेते हैं वो उसके ऊपर डालें और ऊपर से लगभग 2 फीट खुला रखें। जो बारिश का पानी है जो खेत से बह के आ रहा है उसके साथ मिट्टी भी होगी और खाद भी होगी और जड़े भी होंगी, वो सारी सारी चीज़ें उस गड्ढे के ऊपर वहाँ छन के ऊपर रह जाएंगी और शुद्ध पानी जो है सीधा कुएं के अंदर जाएगा। इस तरह से हमारे खेत से जितना भी पानी बह के जा रहा था बारिश का वो सारा सारा हमारे कुएं के अंदर जाकर इकट्ठा हो जाएगा। वही पानी आगे हमें जब फसलों के खरीफ फसल के अंदर जब बारिश की कमी होती है या रबी फसल हम बो रहे हैं उस समय हम उस पानी को पंप के द्वारा उपयोग में ले सकते हैं और किसानों को एक ही नहीं एक से अधिक 2-3 फसलें भी बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकती है। बरसाती पानी जो बहके जा रहा था जिसको हम रिचार्ज पिट के द्वारा कुएं में एकत्रित किया है, इस पानी की गुणवत्ता अच्छी होने की वजह से ये पानी कुएं में पहले से जो खराब गुणवत्ता जिसकी TDS ज़्यादा थी इसी ज़्यादा थी जिससे हमारी फसल हमारे खेत नुकसान हो रहा था वो मिलने से उसकी वो जो है TDS की एक लेवल कम हो जाएगा, PS का लेवल कम हो जाएगा, AC कम हो जाएगी और इस पानी से हमारे फसलें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकती हैं, पीने की गुणवत्ता अच्छी से अच्छी हो जाएगी और फसलें भी बहुत अच्छी होंगी, खेत भी खराब नहीं होगी। किसान भाइयों आप बारिश के पानी या छत पर गिरने वाले वर्षा जल को संग्रहित करके भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ाने के साथ साथ इकट्ठे वर्षा जल का उपयोग घर के कार्यों फसलों की सिंचाई पशुपालन बागवानी मछली पालन इत्यादि में करके किसान अच्छी आमदनी पा सकती है। इतना ही नहीं पानी की गंभीर समस्या से भी बच सकती है और इस तरह से अपने खुद के लिए फसलों के लिए अच्छा शुद्ध पानी एकत्रित करें और अधिक फसल उगाए और स्वस्थ जीवन जिए। किसान भाइयों अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियाँ दी थी, अब लेते हैं एक छोटा सा